अध्याय चार। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनाने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब वो बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वो जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।